तो ये नवरात्रि स्पेशल वीडियो आप लोगों को बहुत यूनिक लगने वाला है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें साउथ इंडिया की बताऊंगी जो आप लोग सुनकर बहुत ही खुश होने वाले हैं, क्योंकि ऐसी कुछ यहाँ की मान्यता है जो नवरात्रि में वह काम करते हैं तो उनकी विश पूरी होती है। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो पर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने साड़ू क्ले का यूज किया है। वैसे तो ये टेराकोटा क्ले का बहुत ही बेहतरीन बनता, लेकिन साड़ू क्ले के भी अलग लेवल के ही फायदे हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आते हैं। हालांकि ड्राई होने के बाद बिल्कुल चौक की तरह टूटता है, लेकिन ये इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। पता नहीं ये कैसा क्ले होता है। ये क्ले बहुत टाइम पहले मैंने खरीदा था, आज तक वही क्ले रीयूज करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी साउथ इंडियन दुल्हन बना रही हूँ, और मेरे पास कुछ खास इसकी जानकारी नहीं है कि क्या क्या चीजें होती है, और इस तरीके का स्टैचू भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जो भी कुछ देखा है गूगल से मैंने इमेज निकाल कर थोड़े बहुत आइडियाज लिए हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडियन दुल्हन से काफी ज्यादा डिफरेंट लुक होता है। तो मैंने यहाँ पे शुरुआत तो कर दी थी, और देखते हैं आगे आगे क्या क्या चीजें इसमें करना है, क्योंकि काफी सारी चीजें हमें इधर की दुल्हन के हिसाब से ही इसमें करना है। तो सबसे पहले मैंने सिंपल सी साड़ी इसमें ही बनाई है, क्योंकि अलग से इसमें फैब्रिक नहीं लगाना था। तो कुछ इस तरीके से मैंने साड़ी का लुक तैयार किया है अपने इमेजिनेशन से, क्योंकि मेरे पास इस तरीके का कोई आइडिया लेने की चीजें नहीं थी। जो रियल पिक्चर मैंने देखा उससे थोड़ा बहुत आइडिया इस तरीके से लिया था। उसके बाद चलिए यहाँ पर फटाफट से क्विक एक फेस बना देते हैं। कुछ ज्यादा इसमें हम नहीं करने वाले हैं, कुछ इस तरीके से। जब की जानते हैं कि मैं हर टाइम ही थोड़ा सा डिफरेंट ही फेस बनाती हूँ, तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट वाला ही फेस बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि समय बहुत कम है, लिमिटेड दिन है। 2 दिन में मुझे 2 पीस तैयार करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने फेस बनाया। काफी ज्यादा मैं कान में डिटेलिंग नहीं देने वाली हूँ, और सिर्फ आगे के फेस में ही थोड़ी सी डिटेलिंग ज्यादा दूंगी, क्योंकि इसके कई सारे रीजन है। नवरात्रि शुरू होने के बाद ही फर्स्ट डे को ही ये रेमेडी करनी होती है, और मेरे पास समय बहुत कम है, सिर्फ 2 दिन समय है, बाकी के बहुत सारे भी काम रहते हैं। मुझे 2 दिन में 2 पीस तैयार करना है, इसलिए बहुत ही फटाफट से मैं सारी चीजें करने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ पे मुझे लग रहा है वहाँ पे डिटेलिंग देना है वहीं दे रही हूँ, बाकी जो चीज़ों पे है नहीं मैं उतना फोकस करूंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आगे का ही डिटेलिंग का काम करने वाली हूँ, पीछे में नहीं करूंगी। तो कुछ इस तरीके से चेक कर लेती हूँ कहीं बॉडी से फेस ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं अभी आँख बनाने का तरीका आप लोग बहुत बार देखे होंगे, मैं अलग अलग तरीके से बनाती हूँ, लेकिन मुझे सबसे जो आसान तरीका लगता है वो यही लगता है। तो थोड़ा बहुत ऑफ कैमरा भी मैंने इसमें थोड़ी बहुत डिटेलिंग की है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो डाल चुकी हूँ फेस मेकिंग के। तो हर बार जरूरी नहीं है कि मैं फेस मेकिंग करके काफ़ी लॉन्ग वीडियो करूँ ताकि आप लोगों को बोर लगे। तो यहाँ पे फेस लगभग तैयार हो चुका है। यहाँ इस तरीके से होल्ड करती हूँ, और करने के बाद यहाँ पे फिट कर दूंगी। और लास्ट में मुझे याद आया कि मुझे इसमें कुछ ज्वेलरी भी पहना देना चाहिए, क्योंकि अलग से मुझे कुछ इसमें अटैच नहीं करना है। तो जो भी कुछ करना है क्ले से ही करना है। तो फिर दोबारा से मैंने एक पिक्चर निकाली, और मैंने देखा कि साउथ इंडियन दुल्हन में क्या क्या चीजें नेसेसरी होती है। तो बस ज्यादा कुछ नहीं था ऐसा, बस ये सिर्फ एक बड़ा सा लॉन्ग माला, कुछ ज्वेलरीज थी, और बहुत ही एक सिंपल सा प्यारा लुक था, काफी मुझे अच्छा लगा। तो पहले मुझे इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, मैंने जब इमेज निकाली तो काफी सारी चीजें मालूम चली। और उसके बाद मैंने दोबारा से, पूरा स्टैचू ड्राई हो चुका था, उसके बाद मैंने ये सब करना शुरू किया, जिसकी वजह से सर धड़ से अलग हो गया, आप लोग देख सकते हैं। तो काफी ज्यादा थोड़ी सी मुश्किल हुई यहाँ पे कि किस तरीके से ज्वाइंट करना है, क्योंकि एक बार चीजें कंप्लीट हो जाती है और दोबारा टूट जाती है तो काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो जैसे तैसे मैंने करके इस सर को चिपका दिया, और बिल्कुल भी मालूम नहीं चल रहा था। साड़ू क्ले की यही प्रॉब्लम मुझे अच्छी नहीं लगती है कि इस ड्राई होने के बाद बिल्कुल चौक की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर मैं उसे चिपका चुकी थी कुछ ना कुछ तरीका लगा के, और फाइनली ये डॉल तैयार हो गई। मेरा मतलब है ये दुल्हन तैयार हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी इस दुल्हन को दूल्हे का इंतजार करना है, तो चलिए फटाफट से दूल्हे को बना लेते हैं। तो जितना ज़्यादा दुल्हन बनाना मुश्किल था, उसे कहीं ज़्यादा दूल्हा बनाना मुश्किल था, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी साउथ इंडियन शादी अटेंड नहीं की है, जिसकी वजह से की भी है तो उतना ज़्यादा मैंने गौर नहीं किया है कि किस तरीके से क्या ड्रेस होता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने दूल्हा बनाने की भी कोशिश शुरू कर दी हूँ, और वैसे ही पोजिशन मैंने वो भी बनाया है जैसे बैठी है दुल्हन वैसे ही। तो थोड़ा सा साइज में मुझे बड़ा भी रखना था, तो थोड़ा सा साइज मैंने बड़ा कर दिया है। और उसके बाद मुझे मालूम चला कि यहाँ पे मुझे ड्रेस इसी तरीके से सेट करना है। तो जैसे ड्रेस में बहुत सारे सिकुड़न होते हैं, वो तो मैं नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि उतनी सारी डिटेलिंग, अगर मेरे पास कोई स्टैचू होता इस तरीके का बैठा हुआ, या फिर कोई इमेज भी क्लियर होती तो मैं देख के बना सकती थी, तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। तो जो भी कुछ था मुझे अपने मन से ही बनाना था, तो कुछ इस तरीके से अपने इमेजिनेशन से ही सारी चीज़ें मैंने बनाना शुरू कर दी।
कुछ इस तरीके से कॉलर बनाया और यहाँ पे बटन पट्टी बनाकर और ऐसे ही मैंने सिंपल डिज़ाइन दे दिया। और जैसा कि वो लोग धोती पहनते हैं तो मैंने इस तरीके का धोती का डिज़ाइन बना दिया है, बिल्कुल साड़ी की तरह ही थोड़ा सा लग रहा है वैसे देखने से। इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था, फिर मैंने कॉल करके पता किया कि क्या कैसा होता है, ड्रेस कैसा होता है, कलर कैसा होता है, सब कुछ मैंने मालूम किया। तो मालूम चला कि सब कुछ मुझे वाइट कलर का रखना है, तो पूरा ऊपर से नीचे वाइट रखना भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, इधर का रिवाज है तो वैसा करना ही है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसमें ही थोड़े से फिंगर बना दिए, फूल बाजू का शर्ट बना दिया है और नीचे धोती आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। झटपट से ही तैयार हो गया, जितना लग रहा था कि मुश्किल होगा ऐसा कुछ लगा नहीं। तो चलिए अब दूल्हे वाले स्वरूप में इनको लाते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ फ्लावर बनाऊंगी जो दुल्हन को पहनाया था उसी तरीके का। यहाँ पर मैंने फ्लावर का एक बहुत बड़ा सा माला डाल दिया है और कुछ इस तरीके से मैंने उस पर डिज़ाइन कर दिया है, वैसे कलरफुल करने वाली हूँ। और चलिए फटाफट से फेस तैयार कर लेते हैं। फेस भी वैसे ही मैंने ध्यान रखा कि थोड़ा सा फेस बड़ा होना चाहिए दुल्हन से, और बॉडी भी थोड़ी बड़ी है। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही लगती है कि कई बार ऐसा होता है कि फेस के हिसाब से बॉडी काफ़ी बड़ी हो जाती है या छोटी हो जाती है। तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फेस तैयार हो बॉडी के हिसाब से ही। तो कुछ इस तरीके से मैंने फेस तैयार किया है, आप लोग देख सकते हैं। लड़के का फेस थोड़ा सा डिफरेंट रखा है और थोड़ा तरीका भी बनाने का मैंने अलग रखा है, आप लोग देखेंगे। और कुछ इस तरीके से मैंने फटाफट से तैयार कर दिया है लड़के का भी फेस। ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं दिखा दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं डिटेलिंग दिखाने लगूंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से मैं सबसे पहले लिप्स तैयार करूंगी, उसके बाद आँखें सेम तरीके से बनानी है जैसे मैंने दुल्हन का बनाया था। तो यहाँ पर लिप्स तैयार कर लिए हैं मैंने और बिल्कुल वही तरीका है जैसे मैंने आँख दुल्हन का बनाया। तो यहाँ पर इस तरीके से झटपट ही मैंने तैयार कर दिया और समय बहुत ही जल्दी जल्दी निकलते जा रहा है। और कल नवरात्रि शुरू हो रही है और मैं अभी इसे रात में तैयार कर रही हूँ। देखती हूँ अगर ये रात में बन जाता है तो मॉर्निंग में ड्राई हो जाएगा और शाम तक मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है, देखते हैं क्या कितना कुछ कर पाती हूँ। तो फटाफट से मैंने कुछ इस तरीके से फेस तैयार किया है। जैसा कि बोला कि मैंने पीछे की साइड में ज़्यादा डिटेलिंग पर ध्यान नहीं दिया है, कि जो कुछ लुक है वो आगे की साइड ही ज़्यादा मैटर करता है, पीछे उतना कोई ध्यान नहीं देता है। तो सिर्फ मैंने आगे पे ही फोकस किया है समय के अभाव में। तो फाइनली यहाँ दुल्हन का इंतजार खत्म हुआ और दूल्हे महाराज तैयार हो चुके हैं और मुझे आ रही है नींद और काफ़ी रात हो चुकी है। तो रात भर ये तब तक से ड्राई होते रहेंगे, फैन चालू कर देती हूँ और कल इनका मेकअप करने वाली हूँ। अगली सुबह मैंने देखा दूल्हा बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ था, तो मेरा टेंशन और बढ़ गया था। फिर मैंने फटाफट से थोड़ा सा धूप में रखा, थोड़ा फैन चालू किया, तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले दुल्हन को ही तैयार कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं शॉर्टली आप लोग को दिखा देती हूँ, इससे आप लोग को आइडिया बहुत आसानी से मिल जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। कुछ इस तरीके से मैंने सारे दुल्हन का मेकअप कर दिया, मेकअप क्या बोलेंगे, सारी ज्वेलरी पहना दी जिस तरीके से है। और ये रहा दुल्हन का लगभग फाइनल लुक, सिर्फ आँख तैयार करना है। तो कुछ इस तरीके से सिर्फ आँख बनाना है, बना देती हूँ। दुल्हन का आइज मैंने आप लोग को नहीं दिखाया है, पर दूल्हे में जरूर दिखाने की कोशिश करूंगी। तो कुछ इस तरीके से एक लाल कलर की बिंदी लगा देती हूँ यहाँ, इस तरीके से स्टोन ये कहें या नग कहें ज्वेलरी में जो होती है इस तरीके से लगा देते हैं ताकि ड्रेस के मैचिंग हो जाए। और यहाँ पे जो माला है इस तरीके से मैंने तैयार कर दिया है ताकि रेड पे ये वाइट कलर का माला काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो वो दुल्हन तो बिल्कुल तैयार हो चुकी है और चलिए दुल्हे को भी तैयार कर लेते हैं। हल्का फुल्का ड्राई हो चुका है, 99% ड्राई हो चुका था, बहुत हल्का गीला था तो मैंने सोचा चलो ड्राई हो ही जाएगा करते करते। तो शुरुआत करते हैं फेस से, और फेस कलर बनाने के लिए मैं वाइट, रेड और येलो का यूज़ करके इस तरह से स्किन कलर तैयार किया है। और जो एरिया खुला है उसको इस तरीके से कलर कर देते हैं। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को जूम कैमरा भी दिखाऊंगी ताकि आप लोग को डिटेल में दिख सके। तो यहाँ पर पूरा ड्रेस व्हाइट कलर करना था तो फटाफट से सभी को मैंने व्हाइट कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। और थोड़ा बहुत कलर मैं ऐसा लगाऊंगी ताकि मालूम चले कि शर्ट और धोती दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वरना ऐसे तो ये बिल्कुल लग रहा है कि एक ही ड्रेस पहना हुआ है ऊपर से नीचे तक। तो यहाँ पे कुछ आँखें इस तरीके से मैंने बनाई है, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद मैं आईब्रो बना लेती हूँ, लिप्स में लगा लेती हूँ उस तरीके से। और यहाँ पर चलिए यहाँ पर रेड कलर का मैं माला पहनाने वाली हूँ, क्योंकि दुल्हन का वाइट कलर था क्योंकि ड्रेस रेड था। तो यहाँ पे वाइट ड्रेस है तो मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं ताकि लुक अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने पूरी अपनी कोशिश लगा दी, जो जो चीज़ें मैं यहाँ पर कर सकती थी इसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाने की।
कुछ इस तरीके से माला बहुत ही प्यारा दिख रहा है और दुल्हन से काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है। दूल्हा तो थोड़ा बहुत और मैचिंग लगा ही देते हैं। तो रेड कलर का यहाँ पे जो धोती पे हल्की फुल्की आपने देखा होगा बॉर्डर बनी होती है, तो कुछ इस तरीके से मैंने नीचे रेड कलर का बॉर्डर तैयार कर दिया है, कुछ गोल्डन कलर लगा दिया है। और शर्ट पे अक्सर आपने देखा होगा इस तरीके का बटन पट्टी पे कुछ डिज़ाइन बने होते हैं, तो मैंने गोल्डन कलर से इस तरीके से डिज़ाइन बना दिया ताकि थोड़ा सा दूल्हे का ड्रेस लगे। और यहाँ पे इस तरीके से आँख बना दिया और टीका लगा दिया है। और ये रहे दूल्हा दुल्हन तैयार हो चुके हैं, तो ये है फाइनल लुक। तो चलिए चलते चलते आप लोगों को बताते चलो कि इधर की क्या मान्यता है, वरना आप लोग बोलेंगे कि सिर्फ बोला और बताया नहीं। तो इधर की मान्यता है कि जो भी लड़के लड़की की शादी नहीं हो रही होते, इस तरीके का स्टैचू अगर हम मंदिर में देते हैं तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये एक तरीके का रेमेडी ही है, तो ये गुप्त तरीके से करना चाहिए, इसका ये नियम होता है। तो यहाँ पे मैं प्रे करूँगी कि जिनके लिए मैंने बनाया है उनकी विश पूरी हो। तो चलिए आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर